गर्मी ने दस्तक दे दी है, पंखे कूलर और एसी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगे हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे सीलिंग फैन की, जिसका घर घर फैन है। जी हाँ, चाहे घर में कूलर चले, एसी कमरों के ऊपर बेचारे तीन टंगड़ी वाले फैन की सांसें बराबर चलती रहती हैं। ये बात तो लोगों को पता ही होगी कि पंखे की पत्तियां एक निश्चित एंगल तक बेंड होती हैं, जो हवा देने का काम करती हैं। अब जरा सोचिए कि सबसे ज्यादा हवा कौन सा पंखा देगा, तीन पत्ती वाला या चार पत्ती वाला? आपको बता दें कि तीन पत्ती वाला देसी फैन है, जबकि चार पत्ती वाला विदेशी फैन। यह सवाल ये भी उठता है कि भारत में 99% तीन पत्ती वाले पंखे ही क्यों चलते हैं और विदेशों में चार पत्ती वाले पंखे क्यों? वैसे आपने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा कि पंखे में तीन और चार पत्ती क्यों होती हैं। बेशक आपने पंखे की पत्तियों की संख्या पर गौर न किया हो, लेकिन इसकी कम या ज्यादा पत्तियां होने के पीछे एक ठोस वजह है। दरअसल अमेरिका जैसे ठंडे देशों में चार पत्ती वाले पंखे एयर कंडीशनर से सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका मकसद एसी की हवा को पूरे कमरे में फैलाना होता है। क्योंकि चार पत्ती वाले पंखे तीन पत्ती वाले पंखे की तुलना में धीमे चलते हैं, इसीलिए इसकी वजह से ये काम आसान हो जाता है। ऐसे में यदि भारत में चार पत्ती वाले पंखे इस्तेमाल होने लगे तो यहाँ गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। वैसे भी भारत में पंखे का मतलब ज्यादा से ज्यादा हवा दे। तीन पत्ती वाला फैन हल्का होता है और चलने में इसकी रफ्तार तेज होती है और इससे हवा भी तेज मिलती है। वैसे अब भारत में भी पंखों को एसी के सप्लीमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा है। ऐसे में आप अपने एसी वाले कमरे में चार पत्ती वाला फैन लगवा सकते हैं। ये धीमा तो चलेगा और इससे बिजली की खपत भी ज्यादा नहीं होगी। टीम न्यूज नाउ।